झांसी में 3 मंजिला इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगी थी, उसके बाद हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही बिल्डिंग है जिस पर आग लगी थी। आग की लपटें और इतनी तेज थी कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्डिंग पूरी स्वाहा हो चुकी है और उसमें जो करोड़ों का सामान था, इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर का सामान था, वो भी जल चुका है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से आग दूसरी बिल्डिंग में पहुंची, दूसरी बिल्डिंग के बाद देख सकती है तीसरी दुकान की हुई उसमें चपेट में ले लिया। इसी के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का जो ऑफिस था उसमें एक महिला कर्मचारी थी, उसकी भी दम घुटने से मौत हो गई है। लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है के बाद से, आप देख सकते हैं नज़ारा। लगातार कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई थी, झांसी की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब कम पड़ गईं तो आसपास के और ज़िलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गईं। उसके बाद इस आग पर लगभग 10 घंटे सर्च ऑपरेशन चला, उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। देख सकते हैं जो मलबा पूरी तरह से तब्दील हो चुका है, ये मलबे में आप देख सकते हैं कितनी भयानक आग रही होगी। और यहाँ पर जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, वो काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए अंदर गए और अंदर के बाद उनका दम घुटा, कई लोग झुलस गए जिसमें उनकी मौत हो गई है। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक का जो शोरूम था, ये शोरूम की देखिए आप टीवी, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी LCD लगी थी उनकी हालत देखिए किस तरह से स्वाहा हो चुकी है और कैजुअल्टी हो गई है। अभी तक एक महिला सहित 5 लोगों की यहाँ पर मौत बताई जा रही है। अभी तक ये भी बताया जा रहा है कि कई लोग यहाँ पर अभी लापता हैं, उनकी भी सर्च की जा रही है। हादसे के बाद से लगातार जिला प्रशासन यहाँ पर सर्च कर रहा है। तमाम स्थानीय लोग, सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई थी। कल लगभग 3:30 बजे ये आग लगी, आग ने छोटे रूप में बड़ा रूप धारण कर लिया, उसके बाद लोगों को बचने की राहत नहीं मिली। कहीं ना कहीं कोई कूदा, कोई छत से कूदा, उसके बाद से ये लगातार ये हादसा हुआ। हादसे की जिम्मेवार कौन है, किन कारणों से आग लगी है, इसका अभी भी पता नहीं चल सका है। और जिला प्रशासन ने, यहाँ के जो DM है रविंद्र कुमार ने, उन्होंने मजिस्ट्रेलियल जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किन कारणों से यहाँ पर आग लगी। झांसी इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में आग लगी, उसका सर्च ऑपरेशन करने पहुँचे हैं झांसी के SP City, अभी अंदर गए थे। सर, कितने फ्लोर की सर्च हो चुकी है और क्या हादसा हुआ था? करीब 5 फ्लोर हम लोग सर्च कर चुके हैं, अभी 1 फ्लोर बाकी है, वो भी अभी सर्च करा लेंगे। बाकी जो कैजुअल्टी है, कुल 5 लोगों की कैजुअल्टी है। और अभी थोड़ी मोड़ी आग जगह जगह थी तो उसको भी हम लोग अभी फायर टेंडर से उसको भी ख़त्म करा रहे हैं। तो अभी भी आग लगी है, कुछ धधक रही है? नहीं नहीं, धधक नहीं लग रही, धुआं निकल रहा है, तो आगे बढ़े ना इसके वजह से अभी फायर टेंडर से पानी उस पर डलवा रहे हैं। अच्छा, लगभग कितनी बिकराल आग थी, कितने घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला? करीब 10 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन था। आग बड़ी थी, इसी वजह से कैजुअल्टी भी हुई। लोग गेट पर ही आग लगी, जिसके वजह से गेट से बाहर नहीं निकल पाए लोग। अगर अंदर कहीं होती आग तो हो सकता है गेट पे से बाहर निकलने का मौका मिल जाता, तो कैजुअल्टी नहीं होती। ऊपर एक इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस था, उसकी जो महिला की मौत हुई है वो कैसे हुई? हाँ, ये बता रहे अभी इनके जो अधिकारी हैं या जो दुकान के मालिक हैं, उनसे बात हुई तो बता रहे थे कि हम लोगों ने उस महिला से कहा था कि आप कूद जाओ, तो 3-4 सीढ़ी थी, अगर वो थोड़ा साहस दिखाती, अगर कूद सकती थी तो उनकी वो बच सकती थी, लेकिन वो अंदर चली गई और अंदर धुआं और सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई। तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी का जो ऑफिस था उसमें कई और कर्मचारी भी काम कर रहे होंगे, वो लोग कूद गए थे क्या? हाँ नहीं, कुछ लोगों को तो बाहर गेट वगैरह तोड़ के निकाला गया था, कुछ लोग नीचे जो बेसमेंट है उसमें फंस गए थे, तो फायर टेंडर अगर आ गई थी और पानी का लगातार धार दे करके पानी से हम लोग उसको आग को कम कर रहे थे और उसी बीच में उनको निकाल रहे थे, तो ऐसे करीब बेसमेंट से करीब 7 लोगों को बाहर हम लोगों ने निकाला था। तो अभी भी क्या माना जाए, कुछ लोग और मिसिंग हैं, उनकी खोज चल रही है? नहीं, अभी मिसिंग तो कोई नहीं है, जो मिसिंग थे वो सर्च में हम लोगों ने मतलब कर लिया है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हम लोग एक एक फ्लोर का बारीकी से सर्च करा रहे हैं। अच्छा, इसके पास दोनों जो बिल्डिंग है, एक तीसरी दुकान है, तो तीनों जगह की सर्च मतलब चल रही है बराबर? हाँ बिल्कुल, दुकान तो लगभग हम लोगों ने 5 फ्लोर का सर्च कर लिया है, 1 फ्लोर और बाकी है, उसको भी अभी सर्च कर लेंगे। ये थे हमारे साथ SP City ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो बिल्डिंग है उसमें अभी सर्च की जा रही है, लगातार 1 फ्लोर बचा है उसको सर्च किया जा रहा है। लगातार जैसे हादसा हुआ तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो बिल्डिंग है, लगातार इस बिल्डिंग में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये भी जानकारी की जा रही है। यहाँ पर कोई और डेड बॉडी तो नहीं बची है, देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरी बिल्डिंग है जो जल कर
खाक हो गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था, इसमें सामान तमाम एसी फ्रिज कूलर तमाम ऐसी इसमें जो सामान था वो रखा हुआ था। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो जलकर खाक हो गया है। लगातार पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग यहाँ पर पुलिस के साथ मदद कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार अभी संशय ये भी बना हुआ है कि कुछ और डेड बॉडियाँ इसमें निकल सकती हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सर्च कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अभी तक कुल 5 मौतें हो चुकी हैं। इसके ऊपर एक इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस था, उसमें एक महिला की मौत हुई थी, महिला सहित अभी तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। पुष्पेंद्र यादव, TV9 भारतवर्ष, झांसी।